गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडेज़ आर ईवीएस क्लास आर इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू राइट एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर एट आर हाउसेस सो टेक आउट पेज नंबर फोर्टी फाइव स्टूडेंट ओके हमें सी नंबर पे क्या दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स हमें यहाँ द ब्लैंक्स दिए हैं उन्हें सही शब्द वर्ड से हमें भरना है तो फर्स्ट नंबर पे क्या दिया है द डैश एंड डैश ऑफ a house depend upon the environmental condition of the place यहाँ पर क्या आएगा first number पर style है ना style and structure structure की spelling लिखेंगे हम यहाँ पर okay style and structure है ना second देखिए some area of आर कंट्री एक्सपीरियंस हैवी डैश और डैश एवरी ईयर हैवी रेनफॉल यहाँ हम रेनफॉल की स्पेलिंग लिखेंगे एंड स्नो फॉल एवरी ईयर ओके द हाउस मीट ऑफ मीड ऑफ स्नो और आइस आर कॉल इग्लू एक की स्पेलिंग लिखेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट देखिए एंड डैश हाउस शुड हैव मैनी रूम्स ऑफ डिफरेंट पर्पस यहाँ पे क्या आएगा आइडियल एक आइडियल हाउस में बहुत सारे रूम्स होते हैं अलग अलग कामों के लिए है ना फिफ्थ नंबर पर देखिए डैश एंड डैश मेक अस अनहेल्दी एंड सिक डस्ट एंड डर्ट है ना तो हम लिखेंगे पहले डर्ट एंड डस्ट नेक्स्ट देखिए प्रॉपर डैश इन दाउस इज नेरी यहाँ पे क्या आएगा वेंटिलेशन वेंटिलेशन जरूरी है एक आइडियल हाउस में है ना वेंटिलेशन होना चाहिए अच्छे से हवा आनी जानी चाहिए है ना वेंटिलेशन किस वाले लिखेंगे नेक्स्ट देखिए डी नंबर पर क्या दिया है मे इज द फॉलोइंग कॉलम वन एंड कॉलम टू फर्स्ट दिया है अर्थक्वेक प्रोन एरिया अर्थ अर्थ प्रोन एरिया में किस टाइप का घर बनाया जाता है बच्चों वुडन हाउस है ना यहाँ हम वन नंबर डालेंगे फूड फ्लड प्रोन एरिया जहाँ पे बहुत बाढ़ आती है उस एरिया में कौन से घर बनते हैं स्लिप्ड हाउस यहाँ पे टू नंबर डालिए है, है ना नेक्स्ट देखिए स्नोई एंड एरी एरिया स्लूपी रूफ वाले हाउस बनाए जाते हैं यहाँ थ्री नंबर डालिए बच्चों रिमोट एरिया हट्स ओके यहाँ फोर नंबर डालिए एन आइडियल हाउस मस्ट बी एरी शाइनी एंड स्पेशियस है, okay, है. है ना तो यहाँ पे डालेंगे हम नंबर फाइव ओके ट्रू फॉल्स देखिए बच्चों ई नंबर पे हमें क्या दिया है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स पक्का हाउस आर मोस्टली फाउंड इन विलेज पक्के हाउस ज़्यादातर विलेज में देखे जाते हैं क्या नो ये स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है है ना यहाँ एफ लिखेंगे हम इग्लू आर मेड ऑफ स्नो यस ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है यहाँ पे टी लिखेंगे हम स्काई क्रीपर्स आर फाउंड इन बिग सिटी ये स्टेटमेंट भी ट्रू है है ना स्काई क्रीपर सॉरी ट्रू लिखना है हमें यहाँ पे ना द रेन वाटर रिमेन कलेक्टेड ओवर द स्लोपिंग रूफ नो ये स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है रेन वाटर इकट्ठा नहीं हो सकता है ना ठीक है ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है अवर आर बॉडी गेट्स विटामिन डी फ्राम सनलाइट येस ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है बच्चों आपको भी आपकी बुक में ऐसे ही सारा एक्सरसाइज को फिल करना है और उसके पिक लेके हमें ग्रुप में सेंड करना है थैंक यू